από τρεπάνι κορόμπο. अभी सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, लाइक मैंने पूरा वीक के लिए आयरनिंग कर लिया है, फिर अब ब्रेकफास्ट कर लिया है, सब जो डेली का काम होता है वो कर लिया है। एंड जो मैं संडे करती हूँ पूरा वीक के लिए, क्योंकि ऑफिस रहता है, कुछ कुछ काम करना पड़ता है फॉर द वीक, तो वो भी मैंने सब ख़त्म कर लिया है। मार्केट गए थे, सब्जियाँ भी ले आए हैं, सब कुछ हो गया है। यूजुअली तो मार्केट में नहीं जाती हूँ, पर आज गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था तो बाहर जाने का मन कर रहा था, तो हम चले गए दोनों। तो अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो चुका है एंड अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ द एब्सोल्यूट गाइड टू आवर वेबसाइट। ये जो मैंने अनु जिंदल का कोर्स लिया था, उनके कोर्स में ये अवेलेबल है, तो मैं ट्राई करूँगी एटलीस्ट 1 आवर पढ़ने के लिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे क्या आप जो 10 सेकेंड या 30 सेकेंड का वीडियोस दिखाती हो पढ़ने के लिए, क्या सच में आप 1 आवर पढ़ते हो? देखिए, अगर मैं 1 आवर कैमरा लगा के पढ़ाई करूं तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन नहीं रहता है, इसलिए मैं पहले 10 या 20 सेकेंड के लिए रिकॉर्डिंग कर लेती हूं, उसके बाद कैमरा बंद करके पढ़ाई करती हूँ। डेफिनेटली अगर मैं कैमरा पूरा ऑन करके पढ़ूंगी, ऐसा होगा कि मेरा दिमाग हमेशा कैमरे के आसपास ही घूमेगा, तो इसलिए मैं ओनली 10 to 20 सेकेंड के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ।
अभी मैं क्या करूँगी ना, जो डेली करेंट अफेयर आता है वो मैं डेली करती हूँ, सो दैट मेरे मंथ के एंड में सब कुछ कंप्लीट हो जाए एंड जो भी PDF आए मंथली कंपाइलेशन का वो रिवीजन हो जाए। तो अभी पास मैं क्या करूँगी, डेली करेंट अफेयर करूँगी, वो फटाफट कर लेते हैं क्योंकि वो ओनली 10 to 15 मिनट लगते हैं। ओके, अभी मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं। अफेयर क्लाउड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप अगर आप देखेंगे कोई भी न्यूज़ हो बहुत डेप्थ में दिया जाता है, जो कि RBI हो या फिर NABARD हो, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक एग्ज़ाम में इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, बट RBI में पूछा जाता है। तो अभी यहाँ पे रीड फुल न्यूज़ करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा, सारे न्यूज़ मिल जाएगा एंड उस रिलेटेड न्यूज़ में मिल जाएगा क्या उससे रिलेटेड न्यूज़ है, लाइक अबाउट वेस्ट बंगाल में हुआ है तो वेस्ट बंगाल में सब कुछ न्यूज़ इसमें है, लाइक कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन गवर्नर है, नेशनल पार्क। तो इसके साथ साथ ना आपका स्टार्टिंग GK भी कवर हो जाता है, तो इसीलिए मुझे अफेयर क्लाउड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब से मैंने बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तब से ही मुझे अफेयर क्लाउड पसंद है। तो बस अभी आज का करंट अफेयर कर लेते हैं फटाफट से। सो अभी जाती हूँ, लंच करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ओके, बाय बाय। मैं लंच करके आ चुकी हूँ एंड अभी मैं क्या करूँगी और ना क्लास करूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी PDF से पढ़ूँ तो मुझे जल्दी नींद आ जाता है। आज मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़ा आराम से पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि आज संडे है तो संडे को थोड़ा सोना तो बनता है, एटलीस्ट 1 hour 30 minutes भी हो जाए तो भी, क्योंकि पूरा वीक तो मिलता नहीं है, बस काम करना होता है। तो आपने मार किया होगा, मैं ना आज पूरा आराम से पढ़ रही हूँ, पूरा काम करके टाइम मैनेज करके पढ़ रही हूँ, इतना हार्ड स्टडी नहीं कर रही हूँ कि नहीं पूरा मुझे पढ़ना है, 1 minute वेस्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं आज थोड़ा चिल होकर पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया था, स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि 15 January तक मुझे इकोनॉमिक्स ख़त्म करने हैं, तो एनी हाउ मुझे ख़त्म करना ही है। तो बस जितना वीडियोस है देख लेती हूँ, मतलब जितना हो सकता है, आज अभी एक वीडियो देखूँगी, उसके बाद शाम को जितना हो सकता है देखूँगी, फिर रात को जो जो मैंने पढ़ाई किया है उसका जो नोट्स है वो प्रैक्टिस करूँगी एंड हो सकता है तो क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करूँगी। तो अभी चलिए क्लास कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ऐसे इकोनॉमिक्स का बहुत सारे क्लासेस है, तो बस इम्पोर्टेंट करना है। तो बस अभी एक क्लास करते हैं। Hi everyone, I hope you guys can see me.
मैं कंटिन्यूस क्लास करूँगी सो दैट मैं मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो उसके बाद रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लास करने के बाद जो भी हमारे मतलब जो भी समझ आया है उसको अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं इजीली। तो फिर चलिए अभी कंटिन्यूस क्लास करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो भी मैंने क्लास में पढ़ा था वो सब अच्छे से नोट में दिया हुआ है, तो मैं बस अभी इसे रिवीजन करूँगी। तो लेट्स डू इट, अभी बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा एक्टिव रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने क्लास किया है तो अच्छे से हमें याद है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अगर रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। तो आज का वीडियो बस इतना ही, क्योंकि अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, मैंने क्लास ऑलरेडी कर लिया है। एक्चुअली कैमरा ऑन होता है तो थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस होता है कि कैमरा ऑन है, कॉन्शियस रहना पड़ता है, तो ऐसा मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस आप बोल सकते हैं, इसलिए बस इतना पढ़ने अभी मैं ऑलमोस्ट 10% पढ़ी हूँ। तो मुझे लगता है अभी कैमरा मुझे बंद करना चाहिए एंड पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे तो फिर वीडियो क्यों बनाते हैं, एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, सो दैट मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हैं एंड बोलते भी हैं स्टडी ब्लॉग बनाइए, तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ। तो अभी के लिए बस यही वीडियो ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड नाइट एवरीवन एंड पढ़ाई अच्छे से कीजिए एंड इट्स हाई टाइम, अभी से स्टार्ट कर लीजिए आपका प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।